प्रकार से सेव्ड फाइल से कंटेंट्स रीड करके स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। तो आज का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट राइट ए प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम द सेव्ड फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड iostream.h, देन इंक्लूड fstream.h। ठीक है, h हमें नॉर्मली ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं लगाते हैं, ये हम लगाते हैं नॉर्मली अपने ऑफलाइन में, यानी डेस्कटॉप से जब हम कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर एक और मैं इम्पोर्टेंट हेडर फाइल्स लगाना चाह रहा हूँ, उसका नाम है स्टैंडर्ड लिब, लेकिन इसके साथ मैं h लगाता हूँ। ठीक है, अब हमें नेम स्पेस लेना है, तो कौन सा लेंगे, एसटीडी। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और इसके पहले एक बार रन करके देख लें कि कहीं कुछ रन टाइम प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रन टाइम प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो लेट, अभी हम जो फाइल के कंटेंट्स को रीड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं कर रहे हैं, हम उसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि ये सिंपल कंसेप्ट किस तरीके से हमें बड़ा सा प्रोग्राम में टूल बन सकता है। जैसे करेक्टर सी एच, तो एक हमने क्या लिया, सिंपल करेक्टर सी एच। ठीक है, और यहां मुझे फाइल से रीड करना है, तो आई एफ स्ट्रीम हम यूज करेंगे, साथ में इन फाइल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस इन फाइल के द्वारा हम फाइल को ओपन करेंगे, तो लेट माई फाइल नेम इज text3.txt। अब इस फाइल से हमें रीड करना है। ठीक है, अब इस फाइल से हम रीड करना चाहते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें जोड़ रहे हैं कि अगर ये फाइल हार्ड डिस्क में या स्टोरेज डिवाइस में नहीं हो तो हमें एक प्रॉपर मैसेज मिले। अब वो कैसे करते हैं, इफ, अब हम यूज करेंगे कि क्या मेरी इन फाइल फेल यानी कि नहीं है, है ना, इफ इट इज नॉट इन ए स्टोरेज डिवाइस यानी अनेबल टू फाइंड यानी फेल हो गई। अब इस फेल हो गई तो मुझे एक एरर जनरेट करना है। अब उस एरर में क्या लिखेंगे, नो सच ए फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, इसे लिख देंगे, तो इससे क्या रहेगा, क्लियर, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये फाइल नहीं है। और यहाँ से एकदम बाहर आना है, ना कि ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एग्जिट। तो ये फंक्शन नॉर्मली कहाँ मिलता है, स्टैंडर्ड लिब में मिलता है। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं करूँगा, और इसके बाद मुझे करेक्टर बाय करेक्टर फाइल से कंटेंट रीड करने, तो मैं यूज कर रहा हूँ वाइल लूप। तो वाइल नॉट इक्वल टू इन फाइल एंड ऑफ फाइल। ठीक है ना, तो एंड ऑफ फाइल मेरे पास में एक
रेडीमेड फंक्शन है जो बताएगा कि मेरा एंड ऑफ फाइल हुआ कि नहीं हुआ. तो लेट फर्स्ट रीड इफ करेक्टर एंड स्टोर इन लोकल सीएच. तो ये सीएच क्या है? इट इज ए लोकल वेरिएबल. ठीक है ना, ये हमारा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल. ठीक है, इसमें मैं इसको पहले सेव करूंगा. तो करेक्टर एक मैं कास्टिंग कर लूंगा और इन फाइल डॉट गेट, यहां से मुझे अपना जो भी फाइल रहेगा वो मुझे मिल रही है. ठीक है ना, तो ये मैं यूज कर रहा हूं. और एंड ऑफ करेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट होता है माइनस वन से, तो वो माइनस वन, चलिए ठीक है, उसको मैं रन करके समझाऊंगा. पहले तो मैं डायरेक्टली इसे रीड करके राइट करना चाह रहा हूं. तो सी आउट, अब मैं देखिए सी आउट यानी कि स्क्रीन पर इसे मैं पुट करना चाहता हूं. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सी एच भी कर सकता हूं और इसको मैं पुट के द्वारा भी कर सकता हूं. ये दोनों कंसेप्ट है, इसमें हम देख लेते हैं करके, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ लास्टली इन फाइल डॉट क्लोज, इस फाइल को क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं. आई होप बेस्ट. तो यही एक सिंपल कंसेप्ट है, स्लोगन, इससे हमें पूरी चीजें मिलती हैं. और देखिए आंसर क्या मिल रहा है, नो सच ए फाइल एग्जिस्ट. तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है. ठीक है ना, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है. हमने स्लैश एन लगाया था इसलिए कोलोन नीचे आ गया. ठीक है, फिर से एक बार रन करके देखिए. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नो सच ए फाइल एग्जिस्ट. भाई सही बात तो बोल रहा है. अब इसको हम कैसे ठीक करें, तो सबसे पहले मैं एक फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ text3.txt, ये रख लेते हैं. और इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर दिया ब्लैंक. अब मैं इसमें कुछ कंटेंट्स लिखता हूँ, माय नेम इज विवेक दुबे. ठीक है, ये मैंने लिखा. और इसको मैं अब यहाँ से यूज करना चाहता हूँ. तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम रीड कर रहे हैं. ठीक है ना, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो सब सही है. नाउ वी आर रीडिंग फ्रॉम द txt.txt फाइल. देखिए अब यहाँ से ये रीड करने के बाद मुझे वही कंटेंट्स मिलने चाहिए. तो ओके, नाउ लेट आई एम गेटिंग माई नेम इज विवेक दुबे. तो देखिए लास्ट में एक मिल रहा है मुझे एंड ऑफ फाइल. तो इस एंड ऑफ फाइल को हम दूर कर सकते हैं. दूर कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ यूर इंट ऑफ सी एच है ना नॉट इक्वल टू माइनस वन. अगर ये ऐसा है तो मुझे अपना करेक्टर डिस्प्ले कर दे. तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये स्पेशल सिंबल जो एंड ऑफ फाइल का होता है वो मुझे नहीं मिलेगा. यस, तो लेट आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर, माय नेम इज इवेंट. ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इस फाइल को हम थोड़े से कंटेंट्स बढ़ाते हैं. जैसे आई लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ठीक है ना, अब देखिए भाई इसको मैंने दो लाइन बढ़ा दी. अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में ये दो लाइन दिखता है कि नहीं. तो देखते हैं, अब मैंने प्रोग्राम रन किया. आई होप बेस्ट. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, यस आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर, माय नेम इज विवेक दुबे, आई लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कंसेप्ट इजी ढंग से फाइल हैंडलिंग में बना सकते हैं. ओके, गुड लक.